बिट्टू जी आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी। और ये इस चन्नी की बैठो, ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है, और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई, सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में, ये सबसे करप्ट है। संसद अंदर रवनीत सिंह बिट्टू और चरणजीत सिंह चन्नी विचाले खड़क पई है। जी हाँ, संसद के बजट सैशन दौरान दोवां विचाले जम के तू तू मैं हुई है। विवाद उदो शुरू होया जदों चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने पुराने साथी रवनीत सिंह बिट्टू ते निजी टिप्पणी की, जिस विच उन्होंने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू के दादा बेअंत सिंह शहीद होए, पर वह उदों नहीं मरे सी, सगों वह उदों मरे जदों रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस छड़ के भाजपा ज्वाइन की। जिस तों बाद रवनीत सिंह बिट्टू पड़क उठे अते चरणजीत सिंह चन्नी उपर मीटू सने कई इल्जाम लगा दिते। कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। मैं आग्रह कर रही हूँ माननीय चेयरमैन जी, आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे, इनको बुलाइए। वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील माननीय चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की, बैठो, ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है, और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई, सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में, ये सबसे करप्ट है। अपनी बात कंप्लीट करें। माननीय चेयरमैन जी आपका धन्यवाद। माननीय चेयरमैन जी बैठो, राजा, अरे अरे बोलूंगा उसको बिठाओ, अपने आदमी बिठाओ। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी बजट सैशन दौरान बजट ते बोल रहे सी। इस दौरान उन्हें केंद्र की मोदी सरकार उपर देश की संपत्ति नूं वेचण दे इल्जाम लगाए, जिथे उन्हें मोदी सरकार की तुलना अंग्रेजा की ईस्ट इंडिया कंपनी नाल कर दी थी। जिस तों बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने चन्नी के इस बयान से इतराज जताया और संसद अंदर बहस का माहौल बन गया। इस दौरान चन्नी ने रवनीत सिंह बिट्टू के दादा बेअंत सिंह नूं लैके टिप्पणी कर दी थी। चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सत्ता पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सत्ता पे काबज हुए और फिर सत्ता के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। और मैं बस एक बात करके बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी,
बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं, उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। आज देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। मैं आग्रह कर रही हूँ माननीय चेयरमैन जी, आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे, उनको बुलाइए, वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील तत्तरे जी, चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो, ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है, और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई, सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में, ये सबसे करप्ट है। माननीय सदस्य अपनी बात कंप्लीट करें। मैं बोलूंगा, माननीय माननीय चेयरमैन जी, आपका धन्यवाद। माननीय चेयरमैन जी बैठो राजा, अरे अरे बोलूंगा, बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा, उसको बिठाओ, उसको बिठाओ, अपने आदमी बिठाओ, अपने आदमी बिठाओ। माननीय चेयरमैन जी, मैं लास्ट बात करके बैठ जाना है, और मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि आज, अरे सुनो भैया, बोलूंगा बोलूंगा, माननीय चेयरमैन जी, सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। मैडम 2 बजे तक उठाइए, 2 बजे तक सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। उधर संसद विच हंगामा इन्ना वध गया कि रवनीत सिंह बिट्टू सदन दे बैल विच आ गए, जबकि दूजे पासे विरोधी धिर दे कई लीडर भी बैल विच आ के हंगामा कर लगे, जिस तों बाद स्पीकर नूं सदन की कार्रवाई 2 बजे तक मुअत्तल करनी पई। ब्यूरो रिपोर्ट, सेंट्रल पंजाब टीवी।